हाय गाइस, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आपको टिप्स लेना चाहिए या नहीं ट्रेडिंग करने के लिए। मीन जो टेलीग्राम पे टिप्स देते हैं वो लेना चाहिए या नहीं, और लेना भी चाहिए तो किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगा यहाँ पे। तो आप आजकल तो यूट्यूब पे भी ऐड चल रहे हैं कि क्या आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं तो इस टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और उसका 99% एक्यूरेसी है। तो अगर 99% एक्यूरेसी होता तो वो लोग ही सबसे दुनिया का अमीर आदमी बन जाते हैं। तो ऐसा ऐसा एड्स डालते हैं, और टेलीग्राम चैनल्स जो बनाते हैं उस पे, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि पहली बार जब मैंने टेलीग्राम असली यूट्यूब पे ऐड ही देखा, और टेलीग्राम पे जब जुड़ा तो वहां देखा कि 1 लाख सब्सक्राइबर है। तो देखा तो लगा कि हाँ, इतने सारे सब्सक्राइबर हैं तो काफी जेन्यून होगा, मतलब अच्छा टिप्स देता होगा तभी इतने सारे हैं। तो मैंने भी वहाँ ज्वाइन कर लिया, और उसके पहले लॉस होता था तो जो सोचा कि हाँ ज्वाइन कर लेंगे तो उस पर अच्छा कॉल्स देंगे, और उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी पे अच्छा सा ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाएंगे। मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं, लेकिन एक और चीज बता देते हैं, वो जो 1 लाख सब्सक्राइबर जो दिखाते हैं ना, वो लोगों को ज्वाइन करने के लिए दिखाते हैं, और वो बॉट्स होते हैं, वो असली के आदमी नहीं होते हैं, वो 1 लाख बॉट्स होते हैं। जो भी उनका चैनल्स होगा ना, 1 लाख उसमें सब्सक्राइबर है, लेकिन उसका पोस्ट जो करेंगे ना, उनका व्यूज देख लेना कि कितना होता है, पता चल जाएगा कि बोट्स हैं या असली में पीपल। तो फिर मैंने भी ज्वाइनिंग किया, और ज्वाइन करने के बाद उसमें कॉल्स आते थे, और ऐसे नहीं थे कि कॉल्स जो है वो उन लोग का पूरा पूरे रॉन्ग जाते थे, उनके कॉल्स सही जाते थे, मतलब मार्केट के डायरेक्शन में जाते थे, लेकिन क्या था कि प्रॉफिट नहीं बना पा रहे थे। तो ऐसे ही होता है, आप जो भी ज्वाइन करेंगे ना तो उनका एक्यूरेसी सही होगा ठीक, लेकिन आप जो है ना वो प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, आप लॉस में रहेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि आप जैसे ही उसमें ज्वाइन करते हैं तो उनका, मान लीजिए कि आज ट्रेड हुआ, और ट्रेड लेने के बाद उनका जो है एसएल हिट हो गया ठीक, तो आपका भी एसएल हिट हो गया। अगर आप एसएल लगाए हैं तो, नहीं लगाए हैं तो बड़ा लॉस भी होगा। तो आपका एसएल हिट हो गया, एसएल हिट होने के बाद अगला दिन फिर से जब वो ट्रेड देंगे, मतलब जो कॉल्स होगा वो देंगे, तो आपके अंदर में एक डाउट रहेगा कि हाँ ये कल एसएल हिट कराया था, आज भी थोड़ा सा हमको डाउट है कि हाँ ट्रेड ले या ना ले। तो जैसे वो कॉल देंगे ना, उसी समय ट्रेड नहीं लेंगे, आप क्या करेंगे, कुछ देर सोचेंगे। अब मान लीजिए सोचेंगे और वो मूवमेंट दे दिया, फिर से आप ट्रेड लेते हैं, और उनका वो आज का ट्रेड काफी सही ट्रेड वो कॉल था, लेकिन आप जब लेंगे ना तो आपको कुछ प्रॉफिट दिखेगा तो आप निकल जाएंगे ठीक। और जो और जिस दिन उनका एसएल हिट होगा उस दिन आप बड़ा बड़ा लॉस लेके निकल जाएंगे, आप ओवरऑल लॉस नहीं रहेंगे। और यही होता है कि वो जो है ना, 10 में से 7 बार अगर वो कॉल सही देंगे और 3 बार गलत देंगे, तो आप 10 में से 7 बार गलत करेंगे, क्योंकि उनके सही वाले कॉल्स पे आप छोटे प्रॉफिट पे निकल जाएंगे, और उनके गलत वाले कॉल पे आप बड़ा बड़ा लॉस लेके निकलेंगे ठीक। तो ऐसे क्या होता है कि पूरा साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर वहां से ट्रेड ले रहे हैं तो। और किनको टिप्स लेना चाहिए, तो अगर एक्सपीरियंस है, मतलब आप 1 2 साल से मार्केट में हैं और आपको ऑप्शन का एक्सपीरियंस है, या जो भी ऑप्शन का या स्विंग का, जो भी आप टिप्स लेने के लिए जो टेलीग्राम में ज्वाइन किए हैं, तो उसमें क्या है कि अगर वो टिप्स आ रहा है और एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो वो अपने स्ट्रेटेजी के साथ मैच करेगा। अगर स्ट्रेटेजी मेरा कुछ बना हुआ है और हमको लगा कि हाँ ये टिप्स आया कुछ, तो हम उसको देखेंगे वहाँ क्या टिप्स है, और उसको अपने स्ट्रेटेजी से मैच करेंगे। अगर मेरा स्ट्रेटेजी और उसका टिप्स मैच कर गया तो हम ट्रेड लेंगे ठीक। तो ये एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए ये सही होता है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका स्ट्रेटेजी तो बिल्ड नहीं है, और वो जो भी बोलेंगे वो उनका फॉलो करेंगे, और वो जब सही होंगे वो तब तो फॉलो नहीं करेंगे, जब गलत होंगे तो फॉलो करेंगे, तो मैक्सिमम आप लॉस में ही रह जाएंगे फिर। और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो टिप्स लेते नहीं है, एक्सपीरियंस होगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा। तो यही कहना है कि जो भी आप टेलीग्राम ग्रुप्स सॉरी चैनल्स में हैं, अगर वो चैनल्स टिप्स दे रहा है तो वो आप छोड़ के निकल जाइए ठीक। अगर आप कम्युनिटी में है, जैसे कम्युनिटी में कुछ मेंबर्स होते हैं जिसमें उसमें एनालिसिस सब अपना अपना एनालिसिस शेयर करते हैं ठीक, तो वो सही चीज है, लेकिन अगर उसमें टिप्स दे रहा है कोई तो वो निकल गया, आप अपने खुद पे डिपेंडेंट हो जाइए, खुद से मेहनत कीजिए, खुद से अपना स्ट्रेटजी और स्क्रीनर यूज कीजिए, सब कुछ यूज कीजिए, और
स्टॉक्स निकालिए। और एक और बात, अगर आप किसी का कोर्स लिए हैं, मतलब किसी भी यूट्यूबर का या किसी भी जो मेंटर है वो किसी का कोर्स लिए हैं, तो कोर्स में वो लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कराते हैं, और उसमें ज्वाइन होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन उसमें अगर जैसे एनालिसिस शेयर कर रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए सही चीज है टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना। लेकिन अगर आपका कोर्स में भी, अगर कोर्स में ज्वाइन किया और वहां पर भी टिप्स मिल रहे हैं आपको, तो वो भी आप छोड़ के निकल जाइए। ठीक, लॉन्ग टर्म में आपको शॉर्ट टर्म में लगेगा कि हाँ प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हरदम आपका हेल्प नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट बनिए, अगर फुल टाइम करना है तो इंडिपेंडेंट बनिए, और यही बेस्ट तरीका होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो लाइक करके जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।